हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यार बेली। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीओसी की न्यू अपडेट्स और सीडब्ल्यूएल के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँगा, ये वीडियो फेक नहीं है, इसमें जो भी बता रहा हूँ सब कुछ सच बता रहा हूँ। अब यूट्यूब पर सर्च करें सीओसी के बारे में, बहुत सारी फेक वीडियो आएंगे कि फ़लाँ और है, फ़लाँ और अब टाउन हॉल, फ़लाँ आ गया यार है या कुछ भी। दोस्तों, ये वीडियो फेक नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ। क्योंकि ये आप कहते होंगे कि यार पता नहीं ये क्या है, हाल में तक को डैरियन हैं, उन्होंने अपनी साफ लफाज में, आज वो अपने शो में लाइव हुए थे, उन्होंने बताया है कि ये न्यू गेम की न्यू अपडेट्स आ रही हैं। तो कब आ रही हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। सब उससे पहले मैं बात करूँगा CWL के बारे में। ये सेकंड पॉइंट है मेरा, CWL फर्स्ट पॉइंट है। CWL दोस्तों, उन्होंने बताया कि CWL, लोगों ने उनसे पूछा कि इतना मिसमैचिंग क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, उन्होंने बताया कि CWL इतना मिसमैचिंग इसलिए हो रहा है कि लोगों को इसको इतना ज़्यादा पता नहीं है, इतना ज़्यादा इलम नहीं है कि ये क्या है, क्या चीज़ है भाई, क्या बुलाया है, लोगों को इसका इतना पता नहीं है। तो अभी तकरीबन ये क्लैन वार सीज़न 2 स्टार्ट हुआ है, इससे पहले सीज़न 1 गुजरा है, तो इसलिए इतना मिसमैचिंग हो रहा है क्योंकि लोगों को इसका इतना ज़्यादा पता नहीं है। तो उन्होंने बताया है कि तकरीबन 3-4 मंथ लगेंगे, हम लोगों को देखेंगे कि लोग इसका क्या रिएक्शन देते हैं CWL का, तो उसके बाद हम कुछ फैसला करेंगे कि भाई ये क्या है, इसमें कुछ चेंजिंग, यानी कि 3-4 मंथ हमको लगेंगे, उसके बाद हम फैसला करेंगे जो मिसमैचिंग ना हो, 3-4 मंथ हमको लगेंगे। तो ये दोस्तों उन्होंने बताया कि CWL 3-4 मंथ लगेंगे। तो उसके बाद दोस्तों बाद उन्होंने बताया है कि COC की बहुत बड़ी एक अपडेट आ रही है 2019 में। तो उसके बारे में लोगों दोस्तों उनसे बहुत ज़्यादा पूछने की कोशिश की, मगर उन्होंने सिंपली तौर पर साफ अल्फाज में ये बताया कि बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, आप सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार कीजिए। क्योंकि दोस्तों आपने टाइटल देख लिया होगा बाहर, टाउन हॉल 13 का, यानी कि टाउन हॉल 13 2018 में तकरीबन टाउन हॉल 12 आया था, उससे पहले 2016 में इसकी अपडेट आई थी, यानी कि 2 साल पहले 15 या 16 में, मुझे कन्फर्म नहीं है। तो दोस्तों उन्होंने ये भी साफ लफाज में बता दिया है कि इससे पहले जो इसकी अपडेट आई थी 2016 में मेरा ख्याल के 15 में, वो यानी कि 2 साल बाद आई थी इसकी न्यू अपडेट 2018 में, जिसमें इलेक्ट्रो ड्रैगन इन्होंने ओपन किया था। तो दोस्तों इन्होंने इस प्लान वार लीक के बाद जो यानी कि इलेक्ट्रो ड्रैगन की अब जो न्यू अपडेट आ रही है, इन्होंने साफ लफाज बता दिया डायरी में, आज अपने शो में, कि इसको इतनी ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ये तकरीबन 2018 में है, 2019 में फिर अगेन, यानी कि 1 साल बाद, 2 साल बाद ये 1 साल बाद इसकी न्यू अपडेट आ रही है। तो इसे यानी कि 2019 में यानी 2019 में हम इसको लॉन्च कर देंगे, कोई इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों आपने बाहर से टाइटल देख लिया टाउन 13 के बारे में, तो डायरी ने साफ लमाज में बता दिया है कि 2019 में इसका न्यू अपडेट वर्जन आ रहा है। तो ये बात मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि कब आ रहा है, यानी कि 2019 में उन्होंने बताया है कि 2019 में आएगा, तो इसमें क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसमें हो सकता है, आई थिंक स्पेल्स के बारे में बात की थी उन लोगों ने उनसे, तो उन्होंने ये बताया है कि स्पेल्स भी आ सकती हैं, क्योंकि आप सिर्फ, उन्होंने ये कहा है कि आप वेट करें, इंतज़ार कीजिए, हम बहुत बड़ी अपडेट ला रहे हैं। तो दोस्तों इसमें पता नहीं क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि जो विंटर सीज़न आ रहा है इसके बाद, यानी कि इससे शायद इसी तकरीबन 2 मंथ रहते हैं 2019 में भी कुछ भी हो सकता है, यानी कि साल के स्टार्ट में भी आ सकती है, साल के आखिर तक भी, साल के दरमियान कब भी आ सकती है, कुछ इसका कन्फर्म नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि अभी सिर्फ आप इंतज़ार कीजिए, हम आपको सब बताएंगे। तो दोस्तों स्पेल्स के बारे में बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि स्पेल्स भी आ सकती हैं। तो स्पेल्स के बारे में ये है कि कोई भी, यानी कि मुझे कुछ, मैं आपको कह नहीं सकता कि कैसी स्पेल्स हो सकती हैं, यानी कि क्या उसका काम होगा, क्या होगा, मैं कुछ कह नहीं सकता आपको। उन्होंने स्पेल्स की भी बात की है, तो उन्होंने कहा स्पेल्स भी आएंगी, ये बात तो कन्फर्म है आएंगी 2000 तकरीबन। तो उसके बारे में दोस्तों हम बात करते हैं डार्क एलिक्सर के बारे में। दोस्तों आई थिंक मुझे कन्फर्म होगा कि पिछली दफ़ा जब 2018 में अपडेट आई थी, तो डार्क इलेक्ट्रो ड्रैगन ने ओपन किया था, अब 2019 में जो अपडेट आई थी, आई थिंक मैं अपने अंदाजे के तौर पर कह रहा हूँ कि आई थिंक इस दफ़ा इनको डार्क में, यानी कि पिछला मुझे ओपन करना चाहिए, जैसा कि पिछली बार इन्होंने ओपन किया था इलेक्ट्रो ड्रैगन, वो था एलिक्सर का। तो अब ये होना चाहिए कि इन्होंने, यानी कि कुछ भी हो सकता है, मुझे कन्फर्म नहीं, मैंने आपको पहले बताया है कि मुझे कन्फर्म नहीं है, मैं आई थिंक ये कह रहा हूँ कि ये हो सकता है। तो ये इसमें ये है कि यानी कि ना जो डार्क में, यानी कि 2000 तकरीबन जो पिछली अपडेट आई थी, सबसे आखिर पे जो इन्होंने बॉलर ओपन किया था, बॉलर न्यू अपडेट थी डार्क की। तो आई थिंक इस दफ़ा कुछ डिफ़िकल्ट हो सकता है, कुछ कन्फर्म नहीं मैं कह सकता, तो कुछ डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये बात पक्की है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये फेक है, ये बात पक्की है कि ये कन्फर्म 99% कन्फर्म है कि 2019 में इसकी न्यू अपडेट आएगी। तो दोस्तों वो अब मैं यार आपको कैसे बताऊँ कि कुछ, यानी कि इलम नहीं है क्या अपडेट हो सकती हैं, 2019 में आएगी ये लाजमी है। तो
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अगर आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर लो, क्योंकि मैं रोजाना इस चैनल पर नई अपडेट्स यूपी के बारे में और टैक्स के बारे में न्यू अपडेट्स यानी कि किस तरह टैक्स वगैरह करते हैं सब बताता हूँ। तो अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।